मंगलवार की देर शाम लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त सभागार में उद्योग बंधुओं की बैठक को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को उद्योग बंधुओं से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश, गिडा सीईओ अनुज मलिक, सीडीओ संजय कुमार मीणा सहित बड़ी संख्या में उद्योग बंधु मौजूद रहे। समृद्धि के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, हम सब के अगुआ, पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ इन्वेस्टयूपी श्री प्रकाश, मीडिया के साथियों, आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर का परम सौभाग्य है हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय आर्थिक महाशक्ति बनकर। दूसरी ओर यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति का ग्रोथ इंजन बनकर हो रहा है। इसके पश्चात वरुण बेवरेजेस, इनके 4 निवेश प्रस्ताव हैं। अनिल पंडित जी, 4 प्रस्तावों का योग लगभग 3,000 करोड़ का इनका निवेश है, जनपद गोरखपुर, चित्रकूट, अमेठी तथा प्रयागराज में। इसके पश्चात बीकानेर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर देहात में लगभग 540 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है, पॉलिस्टर चिप्स एवं पॉलिस्टर से एक उत्पाद है। साजनापुर में इनका 2,060 करोड़ का निवेश है। SPNK इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड साजापुर जनपद में 2,000